वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। और व्हाट्सएप पे डिलीटेड मैसेजेस कैसे पढ़ सकते हैं? भाई मेरा कोई ऐसा दोस्त है, मेरा तो है एक ऐसा दोस्त, वो क्या करता है जब भी उसे कुछ बोलना होगा या फिर पैसे मांगने होते हैं तो वो क्या करता है, बस व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा मुझे अंदर डिलीट कर देगा। मेरा भाई है ही। ओके, आपका भी कोई ना कोई ऐसा दोस्त या फिर सखी होगी जो ऐसे काम कर देती होगी कि बस कुछ बोलना है और व्हाट्सएप मैसेज क्या डिलीट कर दिया। कौन है कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी अब व्हाट्सएप पे हम डिलीटेड मैसेज को कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है एंड आपका भाई बता देगा आपको। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, व्हाट्सएप पर आपको कोई टेक्स्ट करता है वो डिलीट कर देता है, ऐसे पढ़ लेना और उसको जाके उसका वो सेम कॉपी करके भेज देना, ये भेजा था ना तूने। ओके, बाकी अब डिटेल में बात कर लेते हैं। उसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहां से आगे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देखो, ये है वो जो मेरा एक दोस्त है जो मुझे हमेशा कुछ भी मैसेज करेगा। ओके भाई पैसे दे दे, ठीक है मैं लिख देता हूँ कोई भी मैसेज। और अब यही हरकतें करता है, देखो वहां पे आ गया होगा, एक टेक्स्ट आएगा भी यहां पे। ओके मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं, देखो सी आ गया है, यहाँ पे मैसेज आ गया ऑलरेडी, है ना, बट हमने वो मैसेज देखा ही नहीं है। एंड ये क्या करेगा, इसको यहाँ से कर देगा डिलीट। ओके ये देखो डिलीट फ्रॉम एवरीवन हो गया है। ओके अब देखो यहाँ से डिलीट फॉर एवरीवन हो गया है, मैसेज डिलीट कर दिया। और भी कोई मैसेज करके दिखा देता हूँ आपके सामने, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ओके ये ऐसा कोई आपका हमेशा करता होगा कोई ना कोई दोस्त। अब मैं आपको दिखा, डिलीट फ्रॉम एवरीवन ही किया आपके सामने। अब यहाँ पे देखो चैट्स तो आई थी आपके सामने, बजा भी था लेकिन वो गायब है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे देखोगे आप कि भाई चैट्स तो थी ओके, लेकिन दो चैट है वो जो डिलीट कर दी, दिख रही है आपको, दोनों चैट्स डिलीट हो गए। अब मुझे ये पढ़नी है, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, अभी तो मैंने ऑप्शन ऑन ही नहीं किया हुआ। अब हमें इसके लिए एक ऑप्शन टर्न ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है ना, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन सब में बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होता है। तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग्स में आना है एंड यहाँ से आपको जाना है हल्का सा नीचे, या फिर आप सर्च हिस्ट्री में भी लिख दोगे ना नोटिफिकेशन हिस्ट्री तो यहाँ पे मिल जाएगा, वरना आप नोटिफिकेशंस में आ जाओ। ओके ये रहे नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा ना, सो रिसेंट स्नूज्ड नोटिफिकेशन, यहाँ पे टैप करो, यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री को कर दो टर्न ऑन। जैसे आप इसे अब टर्न ऑन कर दोगे, अब देखना अब ये भाई साहब जो हैं ये जो भी चैट करेंगे आपके सामने वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आएंगे। देखो अब मैं इसको करूँगा जैसे हाय भाई, ओके एंड मैं अब इस देखो वहाँ पे आया ना एक नोटिफिकेशन, आपको दिखा होगा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है। अब मुझे वो मैसेज पढ़ा नहीं है मैंने, फिर भी मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ओके अब देखो दूर दूर तो है नहीं, तो मैं आपको दोनों कैमरे दिखा दूँ, तो सो दैट मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट किया है ताकि आपको बता सकूँ। मैंने अब ये मैसेज भी डिलीट कर दिया है एंड वहाँ से अब वो मैसेज भी डिलीट हो गया होगा। आपने पढ़ लिया था मैसेज ऑलरेडी, यहाँ से मैसेज भी डिलीट हो गया है, दिख गया आपको तीनों मैसेज डिलीट है। लेकिन हमने अब नोटिफिकेशन हिस्ट्री टर्न ऑन की हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में ही। ओके एंड यहाँ से नोटिफिकेशन हिस्ट्री में, एंड यहाँ से जब हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ये रहा ओके हाय भाई राज चौधरी ने मैसेज किया था, दिख गया ना यहाँ पे पूरा। तो अब आप इस तरह से पूरी नोटिफिकेशन, एंड यही नहीं नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आप अगर आपका कोई मैसेज कोई यहाँ से भी डिलीट करता है इंस्टाग्राम से भी, वो मैसेज भी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से अब कोई भी कितने भी डिलीटेड चैट्स हो, आप चुप जाके ये जो डिलीटेड मैसेज है ना इनको जाके फॉरवर्ड कर देना, दिखा देना अपने दोस्तों को, भाई आपने ये वाला मैसेज मुझे भेजा है, राइट। आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि भाई डिलीटेड मैसेज को कैसे पढ़ने, और आप इस मैसेज को कॉपी करके भेज दे रहे उनके पास वापस जो भी आपके ऐसे साथ करते हैं। बाकी उनका नाम जरूर लिख दो कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका ऐसा दोस्त है, आपकी कोई सखी है या फिर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, उनका नाम मेंशन कर दो यहाँ पे कि अब तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, आई होप वीडियो से पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, मिला है तो कमेंट बॉक्स में यस नो लिख के चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन होता है और ज्यादा ना अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।